Hello everyone, we have learned earlier about main verbs and helping verbs. Now we will discuss about uses of has, have, had, do, does and did. Has, have, had, do, does and did can be used as main verbs and as well as helping verbs. Mean ये जो has, have, had, do, does and did है इसको main verbs के तौर पर भी हम use कर सकते हैं और ऐसे ही helping verb के तौर पर भी हम इसको use कर सकते हैं. Uses of has, have, had as main verbs. अब हमने has, have और had के बारे में सीखना कि इसको मेन वर्ब्स के रूप पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. हैज एंड हैव आर यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म. मीन हैज और हैव जो हैं इसको प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट मीन जो समय चल रहा हो उसमें हम हैज या फिर हैव एज अ मेन वर्ब्स एंड एज वेल एज द हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे माय फादर हैज़ मैनी न्यू ड्रेसेस, दे हैव अ न्यू कार. इन दी सेंटेंसेस हैज़ एंड हैव आर द मेन वर्ब्स. ये है जो हैव आ जो मेन वर्ब्स के रूप पर इसको हमने यूज़ किया है और ये हैज़ और हैव एज अ प्रेजेंट फॉर्म है. तो जैसे नेक्स्ट हैड, had is used in the past form. Mean जैसे has और have को हमने present form में use किया था और had जो है उसको सिर्फ तो सिर्फ past form में ही use किया जाता है. past में जो समय गुजर गया हो, जो pass हो गया हो उस समय, उसमें हमने had use करना होता है as a main verb and as well as the हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे मेन वर्ब्स में हैड को हमने कैसे यूज़ करना किसी भी सेंटेंस में. जैसे आई हैड अ वाइट कार टिल लास्ट ईयर, शी हैड अ न्यू पेंसिल यस्टरडे. मीन ये दोनों जो सेंटेंस है इसमें हैड जो यूज़ किया, हैड जो है वो एज अ मेन वर्ब के तौर पर हमने यूज़ किया है और हैड जो है हमें पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है कि ये जो काम हुआ है ये पास्ट फॉर्म में ही हुआ, पास्ट टाइम में ही हुआ है. तो हैड ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज हैज, हैव एंड हैड आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो. मींस के हैज, हैव और हैड को हमने कैसे यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, कौन से प्रोनाउन के साथ या कौन से प्रोनाउन के साथ क्या क्या यूज़ करना है, हैज किसके साथ, हैव किसके साथ या हैड किस नाउन या किस प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जा सकता है. जैसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट हैज़ यूज्ड विद शी, ही, इट और सिंगुलर नाउन्स. मीन हैज जो है वो हम किसी भी सेंटेंस में शी, ही, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं. जैसे शी हैज़ अ न्यू डॉल, ही हैज़ अ पेयर ऑफ शूज, इट हैज़ ब्लू आइज, राहुल हैज़ अ बैट. मीन जैसे शी, ही, इट और राहुल ये सारे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है और इनों के साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ की है, हैज़ एज अ मेन वर्ब इन सेंटेंसी में यूज़ हुआ है और कभी भी है जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ या फिर प्रोनाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है. जैसे ही, शी, ही, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स. नेक्स्ट है हैव. हैव हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, जैसे आई, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन्स. हैव जो है ऑलवेज हम किसी भी सेंटेंस में जो आई, वी, दे जब प्लूरल नाउन के साथ स्टार्ट हो रहा हो तब हमने उसको उसके पीछे हैव यूज़ करना होता है. जैसे आई हैव अ न्यू कार,
वी हैव अ बिग बॉल दे हैव मैनी टॉयस द गर्ल्स हैव मैनी टॉयस मीन आई वी दे और गर्ल्स जो हैं इनों के पीछे हमने कौन क्या यूज़ किया है हैव हैव क्या है एक मेन वर्ब्स के रूप पर इस इन सेंटेंसिंग में यूज़ किया गया है. नेक्स्ट हैड हैड जो है हम किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं आई दे वी शी ही इट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस मीन सभी के साथ हम हैड यूज़ करते हैं. जैसे आई हैड मैनी न्यू ड्रेसेस शी हैड अ स्टोरी बुक दे हैड लॉट्स ऑफ कैंडीज द बेबी हैड अ प्रिटी टॉय द बॉयज हैड न्यू बैट्स मीन सिंगुलर और प्लूरल चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो उन सभी के साथ हैड यूज किया जाता है. और हैड जो है एक यहाँ पर ये हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब्स के रूप पर हमने हैड को यूज़ किया है तो हैड ऑलवेज पास्ट फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ डू डज एंड डिड.